ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो मैं जो भी बैकग्राउंड पेज का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट देखना है एंड आपको मैं बताऊंगा कैसे एडिट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि गाइस आप लोगों को तीन फोटोज जो है इस टाइप से क्लिक करवानी है एंड उसके बाद आप लोगों को यहां पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है फोटो रूम। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो गाइस आपको इसमें करना क्या है, आप जैसे इसमें ओपन करोगे तो गाइस यहाँ पे जो है आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें गाइस यहाँ पे मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें से मतलब आपकी फोटो रिमूव वगैरह भी कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है गाइस, ऊपर आप सभी को दिख रहा होगा रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आप लोगों को अपनी फोटो को यहाँ पे ले लेना है एंड उसका जो यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। यहाँ पे आप लोग देखना है, ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला जो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे कटआउट के ऊपर तो आपके सामने जो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि कटआउट वगैरह सब कुछ हो चुका है, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो बाकी आपको यहाँ पे करना है कि आपको सिंपली यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाले के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस आप लोगों को ऊपर जो है यहाँ पे नीचे के साइड में जो आपको ये पर्सन वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, आपको सिंपली पर्सन के ऊपर क्लिक कर देना है। पर्सन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस आपको नीचे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक ब्लर दिखेगा, ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नीचे पे मोशन दिखेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से डन करना है। डन कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड मे बी लेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेव टू गैलरी कर देना है, आपके जो है गैलरी में फोटो सेव हो जाएगा, ठीक है। आपको सेम वैसे ही दूसरा चीज़ भी उसी में करना है। तो यहाँ पे मैं दूसरा जो मैं फोटो मैंने किया है उसको मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे चले जाना है पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में जाने के बाद आपको एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ओपन कर लेना है, पिक्सआर्ट में ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो है आपकी जो फोटो है जिसमें मतलब कि आप मतलब जिस फोटो को मतलब आपने जो बीच वाला जो फोटो का जिसमें आप इस टाइप का लुक करोगे उस वाली फोटो में आपको करना है गाइस आप लोगों को कुछ इस टाइप से ऐसे फुल स्क्रीन करना है, मतलब जितना आए उतना रखना है, बाकी का जो पार्ट होगा उन सबको रिमूव कर देना है। पहले मतलब आपका जो फोटो आपने ऐड किया उसको इरेजर टूल में जाना है, यहाँ से साइज इंक्रीज कर देना है एंड इस तरीके से आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। एंड आपको सिर्फ अपने पैर तक ही रखना है ताकि जो है मतलब ये वाला एरिया हमें चाहिए क्योंकि फोटो में, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ से फोटो को डन कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे हम फोटो को डन कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ से जो आप लोगों को पहले फोटो को क्रॉप कर लेना, तो यहाँ पे मैं रोटेट करके क्रॉप करूँगा क्योंकि रोटेट करके जो यहाँ से मेरे में थोड़ा इजी हो जाता है क्रॉप करने में, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पे हमने इतना क्रॉप कर दिया है। इसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे फोटो को डन करना है, वापस से मैं रोटेशन ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को सिंपली ऐड फोटो में चले जाना है एंड जो फोटो हमने सबसे पहले ऐड किया था जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है उस मॉडल को हम यहाँ पे सिंपली कुछ स्टेप से जो है यहाँ पे ले आएंगे एंड इसको जो है यहाँ पे बीच में इस तरीके से रख देंगे, जैसे कि मतलब हमारा मॉडल जो था उसमें पहले वाला उसी की तरह हम इसको जहाँ पे सेम वैसे ही रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको रख दिया है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जब इतना काम हो जाएगा आप लोगों को, आप लोगों को यहाँ पे भी फोटो को डन नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ से ऐड फोटो में चले जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपने जो मोशन ब्लर बनाया था आपने जो ब्लर वाला वो आपको सिंपली एक एक करके यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले हम जो बैक वाला कर लेते हैं जो सबसे लास्ट में हमें रखना है। तो आपको सिंपली करना है कि आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है कुछ इस तरीके से एंड इसको इस तरीके से कर देने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो इरेजर टूल को ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके मूव डाउन कर देना है और उसके बाद जो है कुछ पार्ट हैं जो इसमें जो रिमूव भी करने थे बट इसको हम पहले क्या करें बैक करते हैं, पहले इसको मूव डाउन करके फिर इरेजर टूल में जाएंगे एंड पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे एरिया आ रहा है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको हम जो है डन करते हैं, ठीक है। अब जो लगा दें फर्स्ट वाला तो दोबारा से ऐड फोटो में जाएंगे, जो दूसरा आप लोगों ने बनाया होगा मोशन उसको आपको सिंपली ऐड करना है। आप चाहो तो एक ही को दो बार भी ऐड कर सकते हो बट अगर आपके पास फोटो दो हो तो, बाकी अगर आप तीन फोटोज क्लिक करते हो तो इनको ही ऐड करना आप, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो फोटो को हम डन कर देंगे, परफेक्ट है यहाँ पे गाइस। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को फोटो को सेव कर लेना है एंड इसको लेके चलना है लाइट रूम मैप में क्योंकि रिटच करके जो फोटो का हम और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएंगे। तो लाइट रूम मैप को ओपन कर लेते हैं, डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन में, पहले इसकी लाइट करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे 15 तक बढ़ा देंगे एंड जो हाईलाइट्स हैं इसको हल्का सा माइनस कर देंगे एंड शैडो जो है इसको इंक्रीज कर देंगे और उसके बाद ब्लैक्स जो है इसको कम कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे कलर्स में जाने के बाद इसका वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड कलर मिक्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे और उसके बाद यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम जो ब्लू कलर लेंगे, ब्लू कलर फोटोज़ में नहीं है तो हमें चाहिए भी नहीं, तो सैचुरेशन माइनस करके ल्यूमिनस भी माइनस कर देंगे। येलो कलर लेंगे, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देंगे, ल्यूमिनस को माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से
जो है डन कर लेंगे। डन कर देने के बाद आपको चले जाना नीचे इफेक्ट वाले टूल में, उसके बाद आप फोटो की क्लियरिटी को बढ़ाना है, फोटो में डाल देना आपको विग्नेट अपने हिसाब से जितना आपको मतलब रखना है, उसके बाद फीदर को इंक्रीज कर देना है, नीचे वाले टूल में चले जाना है, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना है, नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा देना है। फाइनली गाइस हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चले गए मिलता हूँ किसी ने वीडियो में, तब तक लाइक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।